हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक हो गए, खैर खैरियत तो हो गए। सो वी आर बैक विद अनदर व्लॉग, तो चलिए शुरू करते हैं। आज व्लॉग अपलोड करने वाला दिन था और मैं आज हो गया हूँ व्लॉग अपलोड करने में लेट, बल्कि अपलोड करने में क्या एडिट करने में भी लेट हो गया था। अभी सीरियसली देख रहो, ये इधर एडिट हो रहा है, अभी एक्सपोर्ट हुआ नहीं है पूरा। अभी एक्सपोर्ट होगा, उसके बाद फिर अपलोड होगा, तो बहुत मतलब समझो। बस देख लो, अभी एक ब्लॉग कंप्लीट हुआ भी नहीं, अपलोड हुआ भी नहीं, आपके भाई ने दूसरा ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। बस भाई का सपोर्ट करो यार, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब कर दो, बस सब कुछ कर दो। सो गाइस, ब्लॉग अपलोड हो चुका है, फाइनली ब्लॉग अपलोड हो चुका है। बस आज मैं थोड़ा लेट हो गया है ब्लॉग डालने, वरना मैं दोपहर में डाल देता हूँ, 2-3 बजे तक डल जाता है ब्लॉग। लेकिन आज इसलिए लेट हो गया क्योंकि एडिट भी नहीं हुआ था और अपलोड भी होना था। एडिट होने में भी टाइम लगा और फिर अपलोड किया, तो लगा कितना 5:45 बजे ये ब्लॉग अपलोड हुआ है। गाइस देखो मुझे क्या मिला है, ये इतने टाइम से घुम हुआ था ना और मैं इसको ढूंढ रहा था। ये तुम लोग को शायद पता हो कि क्या चीज़ है, किसी को शायद पता हो, किसी को नहीं पता हो। तो ये मैं अभी ना नीचे जाऊँगा बाइक के पास, तो फिर दिखाऊँगा इसका काम क्या होता है। ये खो गया था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया दोबारा से, तो अभी जब नीचे जाऊँगा ना तो फिर दिखाता हूँ ये किस चीज़ में इस्तेमाल होता है। भाई सिम्बा ये रहा, और अभी सिम्बा को निकालता हूँ, उसके बाद फिर दिखाता हूँ उस रिमोट का काम क्या था। तो अभी पहले सिम्बा को निकाल लेना, मतलब थोड़ा सा इधर कर लेता है। तो वो चीज़ है ये, इस चीज़ का रिमोट है वो। अभी फ़िलहाल बहुत ही गंदा वंदा हुआ है, इसके तार वार भी निकले हुए हैं। एक तार ये रहा इसका, और दूसरा तार इसका कहाँ है, दूसरा तार इसका ये रहा। तो ये देखो, अभी इसके दोनों तार भी निकले हुए हैं। अभी मैं तार लगाता हूँ फिर दिखाता हूँ ये है क्या। वैसे देख के तो समझ गया होगी क्या चीज़ है कितना बड़ा इसका, शायद नहीं देखो कितना बड़ा है। सिर्फ इसको पैक वैक कर दिया, यहाँ से बिल्कुल बंद कर दिया। वो अब है बारी बजाने की। तो ये रहा रिमोट, बाकी है बिल्डिंग के अंदर हूँ मैं, तो ज़्यादा देर तक नहीं बजाऊँगा, थोड़ा सा बजाऊँगा फिर बंद कर दूँगा। बाकी तुम लोगों ने रात में आज तक मेरी बैक लाइट नहीं देखी होगी ना, देख लो तुम भी आज रात में कुछ ऐसी दिखती है। रुको लाइट बंद करने, तो ऐसी दिखती है भाई रात में ये बैक लाइट। तो चलो अभी है टाइम, तुम लोगों को इसकी आवाज़ सुना दो। तो बटन भी भूल गया इसके, कौन से किससे क्या बचता था। चलो सीरियसली यार, तुम लोग यकीन नहीं करोगे इतने टाइम बाद ये आवाज़ सुनी है ना मैंने, मतलब बहुत अच्छा लगा है इतने टाइम बाद इसकी आवाज़ सुनी है। चलो और एक और भी है, बस 2 बजाऊँगा, उसके अलावा और नहीं बजाऊँगा, क्योंकि यार लोग आ जाते हैं, लोगों को पता नहीं है कि मेरी बाइक में लगा हुआ है, समझा करो ना यार। तो अब बजाते हैं इसका दूसरा वाला, तो इसका ए जब ए बजाया था ना, बीट बताते हैं। उधर से बच्चा आ रहा था, बच्चा भाग गया डर के, बच्चा डर के भाग गया। इससे पहले कि अब कोई आ जाए बिल्डिंग वाले उतर के, तो बस अब निकलते हैं भाई, बस बहुत हो गया, बहुत सुन लिया आवाज़ स्कूटर की, अब बस चलो भाई चलते हैं। तो गाइस अभी आए हुए हम रास्ते के घर पे, थोड़ा बहुत काम वाम है दोनों बाइकों का ना, तो इसका साइलेंसर उतार के उसमें लगाना है, उसका साइलेंसर उतार के इसमें लगाना है, ये सारा काम करना है अभी। ये लग रहा है तो ये बनेगा फुल मैकेनिक, हालांकि बनूंगा मैं, ये अभी चेक कर लेंगे पाना कौन सा लग गया, लग गया, ये वाला लगेगा। कौन सा दिखाओ भाई, पट्टी भी उतारनी है इसकी। कौन सी पट्टी, ये? हाँ तो पूरा ही निकलेगा ना, जाहिर सी बात है। नहीं मतलब पट्टी निकलेगी, इस पर साइलेंसर अलग कर लेंगे। अच्छा फिर इसी पट्टी पे वाला साइलेंसर लगा देंगे और आपकी पट्टी पे वाला लगा देंगे। सही है, 500 रुपये होंगे उस्ताद इसके, अभी दे रहा हूँ 500। भाई इसमें लगा दिया है साइलेंसर, इसका देखो, इसका उतार के लग गया इसमें, और इसका साइलेंसर ये रहा, ये रहा। हाँ ये रहा इसका साइलेंसर। अब ये वाला जो साइलेंसर है ये लगेगा इसके अंदर। अच्छा ठीक है, समझ गया। भाई साइलेंसर वगैरह लगा दिया, अभी जा रहा है ये टेस्टिंग करने इसकी ना, अब इसकी बाइक पे कैसा साउंड आएगा, क्या क्या लगता है कैसा आएगा। बेहतरीन, पोयो आए, 30 रुपये तुम 14 रुपये तुम, पोयो आए। भाई अभी आए हम यहाँ पे विल प्रूव कराने, वो पीछे खड़ी हुई है, उसके पीछे हमारी बाइक खड़ी हुई है, और
और अभी हम आए हैं नाजमाबाद पे व्हील प्रूफ करवाने। सलेंसर वगैरह चेंज कर दिया था, अब काम है इसके व्हील प्रूफ। ये निकल गया है व्हील और वहाँ पर निकल रहा है दूसरा व्हील। ये पिछला व्हील है, वो अगला व्हील है। अभी व्हील इसकी हो गया व्हील प्रूफ। उसको क्या बोलते हैं इस मशीन को, क्या बोलते हैं? व्हील प्रूफ की मशीन। तो भाई ये लगा दिया यहाँ पे व्हील प्रूफ की मशीन पे, अलाइनमेंट होगी भी होगी अलाइनमेंट इसकी। भाई आप देख रहे हो काम कर रहा है, कैसा काम चल रहा है? टकड़क 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 मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। ये अगला टायर हो गया बिल्कुल रेडी, इस पे कलर वलर भी कर दिया। और अभी ये लगा हुआ है पिछला व्हील इसके ऊपर ना, अब ये भी होगा। आप क्या देख रहे हो इतने गौर से? सही करो काम, सही करो। भाई का काम, भाई का काम अच्छा है, हम तो कराते यहीं से हैं। हमारी तो दुकान ही यही है, बहुत बेहतरीन जगह है सच में। नहीं इसी बात, बहुत बेहतरीन जगह है और सस्ते पैसों में करता जो बात है। बेचारा सिम्बा अपने बगैर पाँव के खड़ा हुआ है। टेंशन मत ले सिम्बा, अभी तेरे फिर से पाँव वाँव लग जाएंगे, तुम फिर से रोडों पर आग लगाओगे, टेंशन नॉट। बस ये देख लो बिल्कुल सीधा हो गया, कुछ भी इसके अंदर बबलिंग वगैरह जो होती थी, जो थी पहले, बिल्कुल भी नहीं है। भाई ने वन काम करा है, ये भाई है। ये देखो भाई आप अपना नाम वाम बता दो। मेरा नाम नूर इस्लाम है, मदीना आटोस के नाम से दुकान है हमारी। सही है, कोई भी काम हो आप इंशाल्लाह आ जाए, बेफिक्र हो गए, बेफिक्र हो गया, आ जाओ भाई यहाँ पे। बहुत अच्छा काम करते हैं और कम रेट में करते हैं। भाई फाइनली फिटमेंट हो रही है, अब इसके टायर वापस से लग रहा है। सिम्बा का, मेरे सिम्बा का पाँव लग रहा है वापस से फाइनली। अब सिम्बा फिर से रोड पर आग मचाएगा, आग लगाएगा। गाइस अभी आपको पता है ये लग रही है भाई बिल्कुल भी नहीं ऐसा कुछ भी बिल्कुल जा रहे हैं गाइस, बिल्कुल हम कुछ ना कुछ खाने जाएंगे। अभी हमें गोल मार्केट लेके जाएंगे और खिलाएंगे, क्योंकि आज हमें लेके आए ये सदा है। एक गोल मार्केट मुझे पता ही नहीं है कहाँ पर, मैं बताऊँगा गोल मार्केट कहाँ है, जमा ले जाएंगे और कुछ खिलाएंगे। देखो जलसा जलसा जा जलसा तो यार है, लेकिन अभी जो आपने खिलाना वो आप खिलाओ। चलो देखते हैं, देख के बेटा हाथों से निकल जाती है ये, तो बता रहा हूँ। ओए ओए वाकई में हाथों से निकली, वाकई में हाथों से निकली हुई है भाई। अभी जो उसने बोला खाने आने का, बिल्कुल भी कोई कंफर्म कंफर्म नहीं, आप मोबाइल के साथ पत्ता भी क्यों कर रहे हो? मोबाइल के साथ नहीं है, बिल्कुल कंफर्म है हम खाने जा रहे हैं, वरना आईना मैं आपको इसके साथ नहीं दिखूंगा। भाइयों काम हो गया है, अब ये उतार रहे हैं अपनी बाइक, फुल बेहतरीन व्हील थ्रू करके दिया भाई ने। ये मुबीन आटोज है और ये बिल्कुल इसके सामने भाई की शॉप है। अब तो घर बंद हो रही है, सुबह खुलती है तकरीबन 9-10 बजे और इसी टाइम बंद होती है। बाकी ये काम हो गया है तो भाई अब इसका व्लॉग मेरे से कंटिन्यू हो रहा है, क्योंकि ये चला रहे हैं भाई और अब हम जा रहे हैं कुछ खाने, क्योंकि लग रही है वो। अब वहाँ जाके मिलते हैं और बताते हैं क्या खा रहे। लेके आ गया हूँ मैं इनको कुछ खिलाने, इनके पेट पूजा पूरी कराने। बड़ी मासूमी शक्ल से इन्होंने ना मुझे बोला था, देखा अब इनकी मासूम शक्ल। खुशी मिल गई आगे? मेन्यू आ गया, मेन्यू आ गया। सही से पढ़ना बेटा, कल पेपर है तुम्हारा। टेंशन ही नहीं है सर, मेन्यू में है क्या क्या भाई देखना। सबसे सस्ती चीज़ मंगानी है, बता रहा हूँ महंगी चीज़। वे बोल लो, जो सामने बोतलें रखी हुई है ना, एक क्रेडिट चार्ट कर लेते हैं चल, आराम खाओ। अभी एक बर्गर आ गया और रोल आना बाकी है, तो अभी ये बर्गर खाएंगे। आधा बर्गर मैं खाऊंगा, आधा बर्गर ये खाएगा और आधा रोल मैं खाऊंगा, आधा रोल ये खाएगा। वैसे मंगवाया हमने, वो अभी ये करते हैं। ये कितने का? 170 रुपये का। अरे अभी 170 रुपये का अंडे वाला बर्गर और 140 रुपये का बीफ बर्गर। कुत्ते के गोश्त का बीफ है वो, कुत्ते के गोश्त का बीफ, ये क्या बोल रही है? अरे कहना क्या चाहते हो? बर्गर का खापा हो गया और ये अभी भी खा रहा है, और ये आ गया हमारा रोल, अब इसको खा के देखते हैं। ये खाना हम लोगों ने खा लिया है और बस आज का व्लॉग यही तक था। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, सी यू।